गाइज, आज के टाइम में जैसे मैंने ऑलरेडी मैं बात कर चुकी हूँ, मैं इसके 4 पार्ट्स ऑलरेडी बना चुकी हूँ. प्री वेडिंग शूट से रिलेटेड हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए और कैसी ड्रेसेस हमें पहननी चाहिए और किस लुक को हमें फर्स्ट कवर करना चाहिए, किसको सेकंड करना चाहिए, किसको थर्ड करना चाहिए. और आप पेड लोकेशन पे भी कर सकते हैं, आप अनपेड लोकेशन पे भी कर सकते हैं. सो इट्स कम्प्लीटली अप टू अ कस्टमर. ये कस्टमर की चॉइस है कि उसको कैसी जगह पे करना है, उसका बजट क्या है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें उसके हिसाब से कंसिडर की जाती हैं. बिकॉज मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत सारे शूट्स कवर कर चुकी हूँ. प्री वेडिंग शूट हो गए, ब्राइडल्स हो गए, एंगेजमेंट हो गए, पार्टी मेकअप हो गए, और भी आजकल मैटरनिटी शूट्स चलते हैं. तो मेरा डेली का ही यही काम है, मैं मेकअप्स ही कवर करती हूँ हर शूट में. तो उसमें मैं देखती हूँ कि लोगों को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं. तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जो चैलेंजेस हर कोई फेस कर रहा है वो आगे आने वाले लोग भी फेस करें. ऑफ कोर्स हमें अगर कोई चीज़ किसी से सीखने को मिल रही है कि नहीं हमें आज ये नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ों को हमें दिमाग में रखना चाहिए गाइस. तो जैसे कि मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ, हमें लाइट लुक से स्टार्ट करना चाहिए. फर्स्ट लुक हमारा सबसे सिंपल होना चाहिए. फिर उसके बाद जो सेकेंड लुक होना चाहिए वो थोड़ा हैवी होना चाहिए. फिर उसके बाद जो थर्ड लुक होता है वो बहुत हैवी होना चाहिए, राइट? तो ऐसे ही हम मेकअप को भी ट्रांजिशन में कन्वर्ट करते हैं. बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, हम सबसे पहले लाइट लुक लेते हैं. तो उससे क्या होता है कि डे टाइम में लाइट लुक का फोटोग्राफ्स, वीडियो बहुत अच्छे आते हैं. तो इन सब चीज़ों से मतलब हर चीज़ को रिलेटेड है. ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ पहले लाइट कर लो तो लाइट कर लो, ऐसा नहीं है. इट्स अ फैक्ट जैज एज अ प्रोफेशनली आपको कैसे चलना चाहिए. ओके, तो लेंसेज, लैशेज, अगर आप ये चीज़ें कैरी करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी लुक इनहैंस होकर आएगी और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी. तो इसीलिए आपको लेंसेज हो गए, लैशेज हो गए, नेल पेंट हो गया, नेल आर्ट हो गया. तो गाइस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपकी लुक को बहुत और ज़्यादा इनहेंस करती हैं. ओके, तो आपको ये सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए अपनी लुक को प्लान करना है. एक दिन पहले ही आप अपनी सारी पैकिंग कर लो, अपने बैग पैक्स कर लो, रेडी कर लो सारी चीज़ें. और एक दिन पहले ज़्यादा रश मत करो. मैंने देखा है लोग जनरली एक दिन पहले ही भाग रहे होते हैं, हमें ये रह गया वो रह गया. तो ट्राई टू डू इट अर्लियर जितना, और अपना प्री वेडिंग शूट जितना जल्दी हो सकता है उतना प्लान करो. ये मत वेट करो कि शादी से 10 दिन पहले कर लूँगी, शादी से 15 दिन पहले कर लूँगी. उससे क्या होता है कि गाइस फोटोग्राफर को भी एडिटिंग करने में टाइम लगता है. तो आप लोग फिर वेट करते रहते हो कि फोटोग्राफ्स आएंगी फोटोग्राफ्स आएंगी. तो इसीलिए आप लोगों को अपना प्री वेडिंग शूट कम से कम नहीं तो 2 महीने पहले करवा के रख लेना चाहिए, ट्रस्ट मी गाइस. क्योंकि आपको एडिटेड पिक्चर्स एकदम से तो नहीं मिलेंगी, उसमें भी आपको 20 डेज, 25 डेज लगेंगे ही लगेंगे. और फिर आप अपने वो फिक्स द डेट वाला स्लॉट वाला डालोगे अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए. अभी के लिए बाय बाय. नेक्स्ट वीडियो में हम और अपना ज्ञान कंटिन्यू रखेंगे. ठीक है गाइस, टिल द टाइम बाय. और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा. मेरा इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है बाय द नेम मेकअप बाय पुष्पवंतर, तो आप उसे भी प्लीज़ फॉलो कीजिए क्योंकि आपका प्यार हमें बहुत चाहिए. बाय गाइस, टेक केयर, हैव फन, गुड इवनिंग.